शिमला जिला प्रशासन द्वारा बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिरकत की। इस अवसर पर 1500 महिलाओं तथा बालिकाओं ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया तथा शपथ ग्रहण की कि आने वाले समय में बेटियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना बेटों को दिया जाता है। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश में विभिन्न कारणों से महिलाओं के प्रति अवमानना की भावना या फिर अंतरकला की भावना के चलते कई कुरीतियां सामने आई, जिसके चलते बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा आधुनिक युग में लिंग जांच के चलते लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। इस अवसर पर आज प्रण लेना चाहिए कि आने वाले समय में बेटियों को बेटों के समान समझे और साथ ही दोनों को एक समान दर्ज देने का प्रयत्न किया जाए। बालिका दिवस है, गर्ल चाइल्ड डे, और मेरे सामने भी एक लड़की खड़ी है। मैं सबसे पहले तो इनको बधाई दूंगा। जर्नलिस्ट हैं, लेकिन गर्ल जर्नलिस्ट हैं, और सभी बालिकाओं को, सभी महिलाओं को जो है वो आज के इस दिवस पर बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। संदेश मुख्य रूप से ये है कि हिंदुस्तान में विभिन्न कारणों से बहुत समय तक महिलाओं के प्रति जो एक अवमानना की भावना या उन्हें जो है वो कमतर आंकने की भावना रही है, उसके कारण यहाँ पर बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई। बाल विवाह, दहेज प्रथा, और सबसे बड़ी जो आधुनिक युग में इस स्वतंत्र भारत में लड़कियों का जो है लिंग परीक्षण किया जाता था, और उसके आधार पर यदि ये पाया जाता था कि लड़की होगी तो उसे गर्भ में ही समाप्त कर देने की एक भावना, उसको समाप्त करने के लिए कि लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं, अंतरिक्ष में अगर लड़का जा सकता है तो लड़कियां उससे पहले जाकर के आई हैं। मैं शिमला जिला के प्रशासन को, डिप्टी कमिश्नर श्री अमित कश्यप जी के नेतृत्व में जो इन्होंने ये इस कार्यक्रम का इस स्वरूप में जो है यहाँ पर आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब गांव की महिलाएं भी, शहर की भी, सभी ने जो है यहाँ पर लोगो भी बनाया और मानव श्रृंखला भी बनाई, और इसके बाद कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर सभी महिलाओं को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष करके सबसे जो है निवेदन करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात पहले जो है वो ज्यादा था, अब जो है वो उसमें कटौती होनी चाहिए। बराबर जो है वो लड़का और लड़की जो है वो बराबर हों, इस दिशा में जो है वो प्रयास करने चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।